हेलो दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज़ अहमद की एक बहुत ही फेमस बुक है और बिहार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग सारे क्वेश्चन इससे ही कवर हो जाते हैं। तो आप लोग अगर BPSC या बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं जैन धर्म के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को कवर किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा घुमा दिया है, सिर्फ आप लोग ये बताइए कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कुंडलग्राम में, ऑप्शन डी कुशीनारा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडलग्राम में। देखिए यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान था, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। देखिए महावीर स्वामी का जन्म आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? ऑप्शन ए सारनाथ से, ऑप्शन बी विदेह से, ऑप्शन सी वज्जी संघ से, ऑप्शन डी कपिलवस्तु से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रमुख थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी? ऑप्शन ए लिच्छवी की, ऑप्शन बी सारनाथ की, ऑप्शन सी विदेह की, ऑप्शन डी अंग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिच्छवी के। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी कौसाम्बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पावापुरी में, ऑप्शन सी विदेह में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पावापुरी में। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी बल्लभी में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी कनिष्क के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? देवधिक क्षमा श्रवण, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी साबकमीर, ऑप्शन डी अस्थूलभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थूलभद्र। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें प्रमुख कार्य हुए थे? ऑप्शन ए जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था, ऑप्शन बी जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित किया गया, ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी न तो ए और ना ही बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी चंपा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।